गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने 4 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 7 बुलेट बाइक बरामद की है। ये बदमाश काफी शातिर हैं और सोशल साइट पर ये चोरी की बाइक बेच दिया करते थे। इसके लिए फर्जी कागज और फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस का कहना है कि चारों बदमाश अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इनके दूसरे साथियों की तलाश की जा रही है। 4 छात्र अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं जिनके पास 7 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। क्या काम करने के जाते हैं और किस तरीके से मोटरसाइकिल चुराए करते थे? थाना खोड़ा द्वारा बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए आज 7 बुलेट रिकवर की गई हैं। ये सारी 7 बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं जो कि बहुत हाई एंड मोटरसाइकिल्स मानी जाती हैं और इनमें अभियुक्त 4 गिरफ्तार करे गए हैं। इनमें से 2 वो अभियुक्त हैं जो मोटरसाइकिल खरीदते थे, उनकी नंबर मोटरसाइकिल चुराते थे, नंबर प्लेट उनकी बदलते थे और आगे वाले लोगों को मोटरसाइकिल्स बेच देते थे। ये जनरली इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये रात में आते थे ट्रेन से ये आते थे और जाते ये बुलेट से थे, आते थे चोरी की कार्रवाई करते थे और उसके बाद चोरी करने के बाद ये रातों ही रात बुलेट से वापस निकल जाते थे और पहले भी ये लोग लूट में और चोरी में जेल जा चुके हैं। इनमें से 1 अभियुक्त जेल से 1 साल पहले ही रिहा हुआ है और 1 साल रिहा होते ही ये फिर से चोरी के कार्य में लिप्त हो गया था। ये जनरली ऐसा करते थे कि नंबर प्लेट उस बुलेट मोटरसाइकिल की ये बदल देते थे और जब उनसे जो अनसस्पेक्टिंग व्यक्ति हैं जो उनसे पूछते थे कि भाई ये बुलेट का नंबर तो हम देख नहीं पा रहे हैं, ये बुलेट कहीं गलत तो नहीं है, तो वो ये कहते थे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर नया ही शुरू हुआ है और जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर पूरी तरीके से ऑपरेशन हो जाएगा आप इसको आईडी से देख सकते हैं। तो इसलिए लोग भी इनसे बुलेट सस्ते दामों में खरीद लेते थे और ये कहते थे उनसे कि ये बुलेट अब चल नहीं रही है, ये सेकेंड हैंड हो गई है, इसलिए आप लोग इसको खरीद लीजिए। इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो बिचौले की तरह काम करते थे, जो चोरी करके लाता था उससे बाइक्स खरीदते थे, बीच में अपना कमीशन लेते थे और आगे अनसस्पेक्टिंग व्यक्तियों को ये बाइक बेच देते थे।